बोल सकते हैं कि रोहनप्रीत की लाइफ कैसे चेंज हुई, ये आप बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं अपने चंडीगढ़ में जहाँ पे मैं रहता था, मैं वहाँ पे मैं पगड़ी बांध रहा था, मिरर के सामने खड़ा हुआ था, और सडनली मुझे एक कॉल आई, इनके मैनेजमेंट से आई, और तो वो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक गाना है और नेहा कक्कड़ जी का गाना है, और हम चाहते हैं कि आप उस वीडियो में मतलब एज अ को आर्टिस्ट नेहू के साथ मतलब काम करें। तो वो मेरे को बोल रहे कि काम करोगे, मैं बोलूं कि भाई ये पूछने की बात है, ये तो मतलब तो उधर से ये हमारी बात स्टार्ट हुई। फिर मैं नेहू को मिला, जब मैं मिला तो मुझे अभी तक याद है कि नेहू ऐसे बैठे हुए थे और मैं इधर से एंटर कर रहा था, और नेहू ने मुझे ऐसे पीछे मुड़ के देखा, बस वो मेरा दिन था, और उसके बाद आज आपके सामने बैठा हूँ। वो मेरा कह लो कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। जिस पे भी ये मतलब अपना हाथ रख दे, मैं इन्हें बोलता होता हूँ और सभी को भी बोलता हूँ कि जिनके इर्द गिर्द भी होती है ना ये, वो मतलब भगवान उनकी बहुत जल्दी सुन लेता है, क्योंकि मैं इन्हें बोलता हूँ कि ये गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है ये, और इन्होंने वो गाना तो लिखा, लेकिन मैं मानता हूँ कि इन्होंने गाने के साथ साथ मेरी किस्मत लिख दी और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली सारे, हम जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो हम सोचते होते थे कि यार रोहू, मतलब वो बोलते होते थे और मैं भी सोचता था कि यार कब मतलब मैं ऐसे मतलब जाऊंगा किसी इतने बड़े मंच पर गेस्ट बन के जाऊंगा। तो मेरी मम्मा अक्सर बोलते होते थे, मेरे भाई बोलते होते थे, मासी बोलते थे, सभी बोलते होते थे। तो आज नेहू की वजह से मैं मम्मा को बोलना कि माँ आ खड़ा तेरा पुत, ए सिर्फ तेरी नू करके आ, इन्हां दे करके आ जो मैं इत्थे बैठा। मतलब नेहू के आने से मेरी लाइफ टचवुड इतनी अच्छी होगी, इतनी खुशियों भरी होगी कि मतलब जहां पे भी जाता हूँ लोग इतना प्यार करते हैं, टचवुड इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ नेहू। थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट यार।